वोकैबुलरी क्या एक सीरीज मिलेगा, जैसे आपको आज से सीरीज मिला होगा T1 लिखा होगा, तो T1, T2, T3, T4 इस तरह से टिल लास्ट डेट तक मिलता रहेगा। तो वोकैबुलरी, वोकैब के साथ साथ हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ हाथ में एक टेस्ट पेपर होगा, ये टेस्ट कहाँ से आएगा बताया जाएगा अभी। इसके साथ साथ फिर वोकैब और टेस्ट क्लास में होना है। इसके बाद जो क्लास आपका चलना है वो कब चलना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ए वीक में 4 डेज आपका क्लास होना है। सप्ताह में कितने दिन, 4 दिन, ये 4 डेज क्लास आपका होना है। ये क्लास 4 दिन जो होना 2 बेस पे होगा, एक एग्ज़ाम बेस्ड और एक ग्रामर बेस्ड। और एक क्लास जो फ्राइडे को होगा, ये फ्राइडे को छुट्टी नहीं है, ये हमने 4 दिन क्लास करा, क्लास तो आपको 7 दिन करना है लेकिन शेड्यूल क्या है वो जानिए। तो 4 दिन एग्ज़ाम प्लस ग्रामर बेस्ड, और जो फ्राइडे होगा ये प्योर एग्ज़ाम बेस्ड होगा। प्योर एग्ज़ाम बेस्ड का मतलब जैसे मान लो आप तैयारी करते हो SSC का, तो आपको ज़रूरत क्या है पहले ये जानो। हम लोग बिना ज़रूरत के भी पढ़ लेते हैं। ज़रूरत क्या होता है, जैसे मान लो IAS की तैयारी करते हो तो पहले जानो ज़रूरत क्या है। आप तैयारी करते हो राजस्थान का तो पहले ये जानो आपकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को सेट करें। रिक्वायरमेंट नहीं पता, आप पढ़े जा रहे हो तो रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मान लो फ्राइडे के दिन आप SSC CPO की तैयारी करते हो तो आपका रिक्वायरमेंट है क्लोज टेस्ट का, आपका रिक्वायरमेंट है कॉम्प्रिहेंशन का, आपका रिक्वायरमेंट फिलअप द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका रिक्वायरमेंट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, आपका रिक्वायरमेंट है PQRS का। तो ये सब चीज़ जो है आपकी ज़रूरत है। और आप मान लो हर दिन पढ़ रहे हो सिर्फ ग्रामर ग्रामर, नाउन है प्रोनाउन है, तो आप यह चीज़ जो पढ़ रहे हो इसका यूज़ यहाँ क्या है, इसका यूज़ यहाँ क्या है, तो उसके हिसाब से आप इसको जब पढ़ोगे तब आपका माइंड खुलेगा कि अच्छा होता ये है और पढ़ ऐसे रहे। मान लो आप सिर्फ नाउन ही नाउन पढ़ रहे हो और नाउन ही नाउन पढ़ रहे हो, पता ही नहीं नाउन का यूज़ क्लोज टेस्ट में क्या होता है, नाउन का यूज़ PQRS में क्या होता है, तो तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए नाउन जब पढ़ो तो यह डिफाइन करो कि क्लोज टेस्ट में क्या यूज़ है, PQRS में क्या यूज़ है। और जब आप PQRS क्लोज टेस्ट करोगे तो वहाँ पे जब रूल्स बताए जाएंगे, टेक्निक सिखाए जाएंगे, और ना हो तो ये YouTube पे डला है, आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है। खैर नहीं भी, तो एग्ज़ाम की बात करें, ग्रामर की बात करें, इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे और साथ साथ जो कॉमन एरर्स होंगे उसका भी पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। वापस तो फ्राइडे हो गया बच्चे, उसके बाद सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को जो क्लास होगा दो तरह का क्लास होगा, एक क्लास आपके डाउट लिए जाएंगे, नया सेशन। डाउट का मतलब होता है दो चीज़, एक तो जैसे वीडियो क्लास है तो ये ऑनलाइन इसकी रिकॉर्डिंग होगी, अब रिकॉर्डिंग होगी सर, रिकॉर्डिंग क्लास की हो रही है, आप YouTube पे लाइव भी जा रहा है तो ये ऑनलाइन जो है रिकॉर्डिंग होगी, और क्लास अब रिकॉर्डिंग होगी तो आप इसको आकर के रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों क्या है डेमो क्लास, तो डेमो है तो डेमो की तरह। तो ये ऑनलाइन जब रिवीजन होगा क्लास, जैसे सैटरडे दिन आ गए आपका क्लास छूट गया बीच में, तो आप आकर के पूरे सप्ताह का रिवीजन कर सकते हो। नंबर टू, आपने एक सप्ताह पढ़ा कहीं कोई डाउट रह गया तो सैटरडे के दिन आकर डाउट ले सकते हो कि सर मुझे पढ़ने में यहाँ समस्या थी, ये समझ में नहीं आया था, इसमें प्रॉब्लम था, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसका डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, अब एक बात समझ में आ गया, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया कि आपने सैटरडे क्या लिया, डाउट लिया। डाउट के साथ साथ अब मुद्दा है कि आप बच्चे दो तीन तरह के होते हैं, एक बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे मान लो SSC है, CPO है, IAS है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो तैयारी जब करते हो तो आपको स्पोकन की आवश्यकता नहीं हो सकती, तो आप हो सकता है कि आप स्पोकन करना नहीं चाहते तो सैटरडे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे से जुड़े हैं कि सर मैं अंग्रेजी बोलना भी सीखना चाहता हूँ, स्पोकन सर नहीं आता, तो आप सैटरडे संडे आप स्पीकिंग क्लास भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सैटरडे संडे दो दिन आपका स्पोकन क्लास होता है, ठीक है, और इसकी टाइमिंग होती है 10 से 12, ठीक है। जैसे मान लो आप नेहरू विहार में रह रहे हो तो नेहरू विहार में ही रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको करना चाहिए स्पोकन। अब घर बैठ के क्या करोगे, 2 घंटे का क्लास है कर लो यहाँ पे, तो जब आगे कर लोगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस इतना जो आपने पढ़ा है उसका यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाओ, तो इसका यूज़ भी हो जाएगा, तो इस तरह से आपको स्पोकन करना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम अभी नहीं देना है तो। जैसे अगले महीने एग्ज़ाम है और आप स्पोकन आके टाइम वेस्ट करो तो नहीं करना चाहिए। कहीं बैठ जाओ, पीछे बैठा लो, बैठा लो,
जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना होगा कि आप सातों दिन एंगेज रहे। मान लो किसी सैटरडे आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, किसी संडे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, ऐसे भी इसका चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फ्री क्लास, ये डेमो मतलब फ्री क्लास चलता है, मतलब सैटरडे संडे आप कर सकते हो, बोनस दिया जाए आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ उसके साथ साथ ये हो गया काम। दूसरी बात, आपका कोर्स समाप्त हो गया। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे होते क्या हैं कि एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, और कोर्स कंप्लीट हो आपने उसको अंग्रेजी पढ़ लिया, अब अंग्रेजी आ गया, नहीं, आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो तब तक अंग्रेजी आपको नहीं आता। सिलेक्शन हो गया, अंग्रेजी आपको आ गया। अब सिलेक्शन कैसे होना, आपने यहाँ पे लिया एडमिशन, आप एक बार क्लास पूरा कंप्लीट कर चुका, अब दोबारा छः महीना चले गए घर, छः महीने अंग्रेजी छूओगे तक नहीं, टच भी नहीं करोगे आप, क्योंकि पहुंच जाते हो घर, और घर जाने के बाद क्या करते हैं, आराम से अब कुछ और पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, और परीक्षा में बैठ गए, 10 बना 5 नहीं बना, अब हो गया टेंशन, यार कहाँ हुआ, फिर कहीं और तलाशते हैं टीचर कि वो शायद अच्छा पढ़ाए, नहीं बेटा सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं। आपको निर्भर ये करना है कि वो टीचर आपके लिए कितना सीरियस है, पढ़ाने में कोई किसी की कमी नहीं होगी, सब पढ़ाएंगे, बस निर्भर ये करता है कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना सीरियस है। और आपके लिए मतलब क्या, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो और क्लास के बाद मैं आपसे बात ही ना करूँ, क्लास के बाद मैं आपसे मिलूँ ही ना कि ना टाइम नहीं है, तो आपके लिए मैं सीरियस नहीं हूँ। दूसरा, आप दूसरे क्लासरूम में फ़ोटो देख के पढ़ रहे हो तो मैं सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि आप एक बैच में उतना ही पढ़ाएं जितने बच्चों को आप टेकल कर सकते हो, जिसकी बात आप सुन सकते हो। इसलिए जितने भी स्कूल वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह होता है, उसमें 40-80 स्टूडेंट्स का एडमिशन मात्र होता है, उसे अधिक होने पर उसमें केस मुकदमा दायर हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि यह एकेडमिक कोर्स नहीं है, यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि एकेडमिक कोर्स नहीं है, एकेडमिक होता तो यहाँ भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हो, अब चूंकि मैं कैसे करूँगा वो ध्यान दो, तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप YouTube से लेकर के ऑनलाइन से लेकर के हर तरह की सुविधा आप ले सकते हो। अब मुद्दा बचे है कि आपका कार्ड बनेगा क्या, तो आपका कार्ड होना चाहिए टिल सिलेक्शन तक, ताकि आप जब भी दोबारा आओ आपसे दोबारा फीस न लिया जाए। चूँकि स्टूडेंट का दो समस्या, पैसे की समस्या और टाइम की समस्या, तो इन टाइम आपका कोर्स भी हो, और इन टाइम आपका एडमिशन 11 बजे है, तो आपको सुविधा ये देता हूँ कि आप 1 बजे के बैच भी करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको जल्दी कोर्स समाप्त करना है तो। किसी बच्चे को 1 महीना के लिए दिल्ली आया है और समय उसके पास नहीं, तो कोई बात नहीं, 2-3 बैच ले लेगा, उसके 1 महीने कोर्स समाप्त हो जाएगा। टाइम आराम से 3-4 महीने का है, 1 बजे एडमिशन लिया, धीरे धीरे आराम आराम सीख रहा है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे हर तरह की सुविधा आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात करूँ कि मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे जब क्लास करूँगा तो जब आप आओगे वोकैबुलरी, अब वोकैब का एक सीट मिला होगा, देखिए इस तरह का एक सीट मिला होगा आपको, इस पर T1 लिखा होगा, पीछे क्वेश्चन ही खाली है। अब आज हमने वोकैब दिया और वोकैब टोटल यहाँ से 10-12-15 किताब मिलेंगे, तो 10-12 जो किताब मिलेगा उसमें वोकैब के भी बुक्स होंगे। अब जो वोकैब होंगे उसको दिखाया भी जाएगा वीडियो, ये वोकैब याद करवाया जाएगा, कैसे याद करवाऊंगा बताऊंगा अभी। तो इसको याद कर करके अब नेक्स्ट डे अगले दिन मैं इस बच्चे से सुनता भी हूँ, सुनता इसलिए हूँ कि ताकि वोकैब याद करवा भी दिया और नहीं पूछा तो मुझे भी पता और आपको भी पता है कि कोई बच्चा सीरियस नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चे 2-3% होते हैं। अगर उसे ज़बरदस्ती किया जाए तो ऐसा काम किया जाए तो दो रास्ता होता है, या तो वो छोड़ के भाग जाएगा या तो पढ़ेगा, या तो छोड़ कर भागेगा या तो पढ़ेगा, दो ही काम कर सकता है वो। अब छोड़कर भाग गया उसकी किस्मत, लेकिन अगर यहाँ पर टिक गया तो सिलेक्शन निश्चित। अब कैसे, ये वोकैबुलरी मैं दिया, अब मैं आपको चेक करूँगा, खड़ा करवा दूँ, बोल बेटा इसका मतलब क्या होता है, अब घर पर जाएगा तुम पढ़ोगे ना कुछ ना कुछ। अगले दिन फिर पूछा, ये हर दिन अंतिम दिन तक ये पूछता रहता हूँ, क्लियर, ये काम हो गया। दूसरा, वो कैब का जो पेज मिला वहाँ भी, मतलब आस्किंग हमेशा होगा, पूछने का काम कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होगा, इससे ये टच होगा कि आपके प्रति सर का ध्यान, और आपको सर पहचान भी रहे कि भाई तू बताता है कि नहीं बताता है। अगर आपको बताने का मूड नहीं है तो आप ऑफिस में मिल के बता दो कि सर हम ऐसे ही आ गए हैं, पूछिए मत हमसे, आपको पैसा मिल गया, बात खत्म है, ठीक है। इस तरह से काम करें, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब मुद्दा उठा है कि भाई कैसे किया जाए, तो सबसे पहले वोकैबुलरी आप याद करते हैं, और वोकैब याद करके क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्लास कैसे स्टार्ट किया जाए।
ठीक है, आज से ही क्लास आपका शुरू, आज से ही क्लास आपका शुरू। वो क्या आपका क्लास आज से ही शुरू, पेज है, चलो एक पेज लाना बेटा, एक पेज लो, ला रहा है मेरे लिए। देखिए वोकैबुलरी, कोई भी चीज़ जब हम लोग याद, सबके पास है ना पेज, वोकैबुलरी जो हम लोग याद करते हैं उसका प्रोसेस क्या है वो समझना। प्रोसेस ये है कि जैसे यह मानव मस्तिष्क, समझना आराम से, ये मैन स्किल है, जो भी पार्ट हम लोग सोचते हैं ये आपका माइंड है, ठीक है, ये लिप्स है, ये टंग है, ये वोकल कॉर्ड है, ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट है, राइट। जो भी पार्ट हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, है ना, जो चीज़ हम सीखते हैं जानते हैं उसमें होता क्या है कि दो चीज़ निर्भर करता है। एक आपके लर्निंग स्टेज में आपका जो आसपास के लोग हैं वह भी आपसे इम्पैक्ट होते हैं और आप भी उनसे इम्पैक्ट होते हो, मतलब आपका प्रभाव उन पर पड़ता है, उनका प्रभाव आप पे पड़ता है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास किए कि आपका माहौल कैसा है। कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो तो आपका माहौल आसपास का क्या है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो और माहौल भोजपुरी का है, है ना, सुबह से शाम तक भोजपुरी बोल रहे हो, कुछ और भाषा बोल रहे हो तो अंग्रेजी बोलना नहीं सीखोगे। इसलिए आपको माहौल के अनुसार ढालना पड़ेगा या तो तुम्हें ढलना पड़ेगा, दो ही रास्ता होता है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हम माहौल को बदल नहीं सकते, ये माहौल तुम्हारे बस में नहीं है। तुम किसी को कहो कि अंग्रेजी का बनाते हैं सेट मिलकर के पैंक पीओ का, वो तैयारी करता है आईएएस का, क्यों बनाएगा सेट? वो तैयारी करता है जुडिशरी का, क्यों बनाएगा सेट? तो सबसे पहला कंसेप्ट कि आप माहौल को बदल नहीं सकते, यानी आपके पास सिर्फ आप हो, यानी आप ही खुद को बदल सकते हो, वो कैसे बदलोगे उस पर ध्यान दो। ये हम लोगों का वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे एडजस्ट है हिंदी। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हिंदी बोलने में आराम लगता है, अंग्रेजी जैसे निकलता है चौक कर जाता है। अंग्रेजी जब होता है चौक, जैसे आपके सामने कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उस समय हम यस यस नो नो करके काम चला लेते हैं, जब चला जाता है तो एक से एक अलंकार निकालते हैं जाने के बाद अकेले में, यानी कि आपका गला चोक कर गया, क्योंकि हिंदी था यहाँ भरा हुआ, एक गला चोक कर गया, ये आपका टंग है, टीथ है, ये सब एडजस्ट है हिंदी पे। हिंदी के वर्ड्स कहाँ से निकलने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब पता, लेकिन अंग्रेजी वर्ड्स आते ही दिमाग नहीं जाता। अब यहाँ पे लिप्स है, ये लिप्स को हिंदी बोलना अच्छा लगता है, ये दिमाग को हिंदी वोकैबुलरी का अच्छा लगता है, और अंग्रेजी के वोकैब का स्टॉक है ही नहीं दिमाग में। अंग्रेजी के वोकैब रट्टा मारते हैं, यानी स्ट्राइक मारते हैं, जाता है एक दो वर्ड, फिर हिंदी धक्का देकर हटा देता है, हटो यहाँ से, है ना। तो इसके लिए करना क्या है, तो आप सीखने के दो तीन रास्ते हैं, ईयर, माउथ और आइज, ये तीन प्रोसेस व्यक्ति सीखता है, देख करके, सुन करके और बोल करके। जैसे पहला प्रोसेस है लिप्स के माध्यम से, यहाँ से जब आप बोलो कोई चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा इसके लिए है क्या कि आप अंग्रेजी बोलिए, कौन से बोलना नहीं आता, बोलने का मतलब स्पीकिंग नहीं, बोलने का मतलब बोलकर पढ़िए। अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं मेरे यहाँ चाहे कहीं और, तो अंग्रेजी से लगाव बनाइए। लगाव कैसे होगा, इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर हो, हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई पेपर हो, एनसीईआरटी हो, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, आप दो मिनट ही सही उसको ले करके बस एक बार ऐसे ही रीडिंग लगा लीजिए, समझ में आता हो तो ठीक, ना आता हो कोई बात नहीं। आपने क्या करा, वोकल को एडजस्ट करने का प्रयास किया, कैसे करके, अंग्रेजी पढ़ करके, बोल करके। मैं जो दे रहा हूँ वो जड़, मैं फोकस बाजी नहीं करता, रियल बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब करोगे आप तो आपको इंग्लिश पढ़ने की एक ललक होगी, जो वर्ड नहीं आता खोजने की जिज्ञासा होगी, मतलब है क्या, पढ़ क्या रहे हैं हम। अगर एक आध वर्ड पता चला जो मैं याद करवाऊँगा, अगर एक आध वर्ड मिल गया तो अच्छा अच्छा चाहिए तो आता है मुझे, कहीं सेंसर मिल गया, सेंसस मिल गया, सेंसर में एसओआर मिल गया, एसीओआर मिल गया, तो एसीओआर का क्या मतलब क्या होता है, एसओआर का मतलब क्या होता है, तो एक आइडिया लगेगा आपको इसका मतलब क्या होता है, राइट। उसके बाद मस्तिष्क मैं क्यों नहीं जाता वो ध्यान दो। अब देखो बेटा समझना गौर से, यह एक टब है, अब यहाँ से हम डाल रहे हैं पानी, यहाँ पे नल लगा है, अब नल लगा है तुम पानी डाल रहे हो बूंद बूंद, बोलो पानी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब पानी तब बाहर निकलेगा जब ये पूरा यहाँ तक लेवल जाएगा, जब यहाँ तक जाएगा तब बूंद बूंद गिरेगा, लेकिन जब पूरा भर जाएगा तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, छलकेगा। कहने का सेंस है कि आज हम पांच वोकैबुलरी रट्टा मारते हैं,
या पढ़ते हैं सीखते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं सेट बनाते हैं, यार ये वो क्या वो काम का है कि नहीं है, याद तो किए थे। अब पांच याद किए थे वही एग्ज़ाम में ढूंढ रहे हम। ये प्रोसेस बच्चा पढ़ता है बाद में, पहले ये सोचता है पूछेगा एग्ज़ाम में पढ़ता बाद में, पहले दिमाग में ये जाता है पूछेगा कि नहीं पूछेगा, वरना पढ़ लूँ कहीं ऐसा ना हो, ना पूछे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए वो पढ़ता ही नहीं। तो सबसे पहले जानना ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए आपके जड़ पे काम करना होगा, और जड़ ये है कि आप अपने टैंक को, ये जो मस्तिष्क का टैंक है इसे पढ़िए। ये नहीं कि पांच क्वेश्चन बना दिया तो आपको अंग्रेजी आ गया, एक क्लोज से सॉल्व करना सिखा दिया तो अंग्रेजी आ गया, नहीं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रूट कहाँ है, रूट पे काम करेंगे, और जब तक रूट पे काम नहीं किया जाए अंग्रेजी नहीं आना। भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और हो, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना हम लोगों को। यहाँ पे एक एक बच्चे पे पर्सनल मुझे चाहिए ध्यान, और पर्सनल मुझे काम करना है। तो अगर आप मेरे साथ, कहने का सेंस है अगर आप सीखने के लिए आप आए हो तो यहाँ पे सीखोगे, और अगर आप ऐसे ही घूमने आए हो तो आप घूमते रहोगे। अब देखते हैं करके, पहले वो कैब याद करते हैं, आपके पास वो कैब T1 है, पहले करके देखते हैं आज ही, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो जैसे कोई भी चीज़ सीधी बात याद हो, बचपन में कोई एक थप्पड़ मारा होगा आज याद होगा झन्नाहट, तो कोई विपरीत परिस्थिति याद क्या रहता है, बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गम, बीच वाले चीज़ कोई याद नहीं होते, याद वही चीज़ रहते हैं जो उल्टा पुल्टा हो, या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, बीच के सारे चीज़ भूल जाते हैं लोग। इसलिए पेन एंड प्लेजर ये दो चीज़ याद रहते हैं, और याद फिर उल्टा पुल्टा काम, गंदी चीज़ें दिमाग में याद रहता है, अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती। यानी कि वो कैब अगर मैं कहूँ इसको रट्टा मारो तो याद नहीं, भूल जाओगे, अगर मैं उल्टा पुल्टा करके जोड़ दूँ तो माइंड उल्टा पुल्टा याद कर लेगा, क्योंकि उसको माइंड को क्या मिल रहा है, इंटरटेनमेंट। मनुष्य का भोजन क्या होता है, इंटरटेनमेंट। माइंड क्या चाहता है, इंटरटेनमेंट, वो रियल काम नहीं करना चाहता, तो इंटरटेन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे देखते हैं करके, पहला वर्ड है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है, देखो लिखा हुआ इसमें, साहस संकल्प धैर्य, इसको लिंक करेंगे ग्रिट को ग्रेट से, ग्रिट ग्रेट, यानी ग्रेट लोगों में गजब की साहस होती है, ग्रिट ग्रेट, यानी जो लोग ग्रेट होते हैं उनमें साहस गजब की होती है, तो ग्रिट ग्रेट, यानी ग्रेट लोगों में साहस गजब की होती है, अजब की होती है। चलिए पहला वर्ड है ग्रिट, ग्रिट का मतलब धैर्य साहस संकल्प, तो ग्रिट को लिंक किया हमने ग्रेट, जो लोग ग्रेट होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, महान लोग होते हैं ना, उसमें अजब की साहस होती है, तो ग्रिट ग्रेट, साहस किस में पाया जाता है, ग्रेट लोगों में, यानी जो लोग ग्रेट होते हैं महान होते हैं उसमें गजब का हिम्मत होता है, गजब का साहस होता है, तो ग्रिट को लिंक करा ग्रेट से, साहस किस में पाया जाता है, ग्रेट लोगों में। नेक्स्ट है सेंसर, अब सेंसर को दो चीज़ याद करना, एक दो नंबर एक दस नंबर, सेंसर CENSER और CENSOR, तो सेंसर CENSER, तो सेंसर का मतलब निंदा करना आलोचना करना, और SOR का मतलब प्रतिबंधित कर देना बैन लगाना, तो सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा, सेंसर बोर्ड जो फिल्मों में होता है कट बट करता है ना, वो फिल्म का है ना, जो कोई मूवी आ गया उसमें कोई सीन भी हो तो उसको कट करता है, तो वो तो सेंसर बोर्ड ने काट दिया। तो सेंसर SOR निंदा करना आलोचना करना, तो सेंसर याद करो पहले सेंसर को, तो सेंसर लिंक करो संसार, संसार में जितने लोग होते हैं ना एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, सेंसर संसार, संसार के लोग क्या करते हैं एक दूसरे की निंदा करते हैं शिकायत करते हैं, तो सेंसर के मतलब शिकायत करना निंदा करना, और सेंसर जो SOR लगा हुआ है प्रतिबंधित करना, तो जहाँ निंदा होता है उस पर रोक तो लगेगा ही लगेगा, तो सेंसर बैन करना, सेंसर बोर्ड से याद कर लो, सेंसर बोर्ड मतलब सेंसर बोर्ड क्या करता है, बैन लगाता है, रोक लगाना। नेक्स्ट है अपैथी, अपैथी का मतलब उदासीनता अनइंटरेस्टेड, किसी चीज़ SRE एग्जाम में पूछे हुए कुछ वर्ड है, अपैथी उदासीनता अनइंटरेस्टेड, अपैथी को लिंक कर लो पोथी, अपैथी पोथी, पोथी पोथी पुराण समझते ही होंगे, आपके इतनी मोटी बुक दे दूँ आपको पढ़ने का मूड नहीं करेगा, लेकिन इतना पतला सा किताब दे दूँ लेगा, पतला है तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो हमेशा पोथी पोथी पुराण मोटा होता है, उसको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता, तो अपैथी कहते हैं उदासीनता को अनइंटरेस्टेड को, अपैथी पोथी, पोथी पढ़ने में क्या लगता है व्यक्ति को, उदासीनता अरुचि अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट है डिलीजेंट, डिलीजेंट कहते हैं लेबोरियस को, तो डिलीजेंट मेहनती लेबोरियस, इसको लिंक करेंगे दिल्ली के एजेंट, डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट, बड़े मेहनती होते हैं डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट लेबोरियस होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। रॉब, रॉब का मतलब लूटना, रॉब का मतलब लूट या लूटना, रॉब को लिंक करेंगे रॉब दिखा के लूट लेना,
अब रॉब रॉब दिखा के लूट लेना, मान लो कहीं लूटने जाना है तो रॉब दिखाना पड़ेगा ना। अब हाथ जोड़ के बोलेंगे देखिए भाई हम लूटने आए हैं, लूट नहीं पाएंगे तो रॉब दिखा करके लूटना। अब मान लो पिस्टल लेके गए हो, पिस्टल में एक भी बुलेट गोली नहीं और लूटना है तो बोलोगे दिखाओ सरेंडर करो, ये तो नहीं कहेगा कि भाई चला के दिखा गोली है कि नहीं। तो रॉब दिखा कर लूट लेना, मतलब खाली पिस्टल से भी तुम लूट सकते हो, सामान उसमें हो चाहे अंदर ना हो, है ना। तो रॉब रॉब दिखा कर लूटना। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक कहते हैं सर्वनाश, एपोक्लिप्टिक सर्वनाश बर्बादी विनाशकारी। तो एपोक्लिप्टिक सर्वनाश विनाशकारी बर्बादी। तो एपोक्लिप्टिक को लिंक करेंगे आपको लिपस्टिक, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, अगर आपको लिपस्टिक लग जाए तो मुझे सर्वनाश निश्चित है। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश विनाशकारी, तो एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक। नेक्स्ट है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, इम्ब्रेस गले लगाना। इम्ब्रेस को लिंक करेंगे ब्रश, अब किसी को गले लगाया ब्रश नहीं किया था बदबू, तो इम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाइए, इम्ब्रेस ब्रश यानी गले लगाइए ब्रश करके लगाइए। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब उदास निराश, डिस्पेयर उदास निराश। डिस्पेयर को लिंक करेंगे देश पर, अब देश पर इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं कि लोग क्या हो गए हैं उदास हो गए हैं। डिस्पेयर देश पर, बैठा दो यहाँ पर जो डिस्पेयर देश पर, देश पर आतंकवादी हमला होने से लोग उदास हो रहे हैं निराश हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं। तो डिस्पेयर उदास निराश परेशान। मैनेकल, मैनेकल कहते हैं हथकड़ी को, मैनेकल हथकड़ी। मैनेकल को लिंक करेंगे मानाकल, मानाकल तुम्हारे मित्र को हथकड़ी लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो मैनेकल मानाकल हथकड़ी लगा देना। सेंसर बोर्ड पढ़ी लिया प्रतिबंध कर देना। अब ये हम लोगों ने पढ़ा, अब एक बार क्या करना है कि आपको मिल करके मेरे साथ बोल लेना है। बोलने से क्या होगा, पहले क्या कहा था वोकल, अभी आपने सुना, अब सुनने के बाद क्या करेंगे वोकल, वोकल देख तो रही है हम साथ साथ, तो वोकल कर ले देख लो, बोल दो मेरे साथ ग्रिट साहस, ग्रिट ग्रेट लोगों में, गजब का संकल्प, ग्रेट ग्रेट लोगों का साहस। सेंसर निंदा करना, सेंसर संसार के लोग निंदा करते रहते हैं, सेंसर निंदा करना, सेंसर संसार, सेंसर संसार के लोग निंदा करते हैं। अपैथी पोथी पढ़कर उदासीनता, अपैथी पोथी पढ़ने से उदासीनता। डिलीजेंट मेहनती, डिलीजेंट लेबोरियस, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, मेहनती है डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, लेबोरियस। रॉब रॉब दिखा के लूटना, रॉब रॉब दिखा के लूटना। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक सर्वनाश निश्चित। इम्ब्रेस गले लगाना, इम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाना, इम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाना। डिस्पेयर उदास, डिस्पेयर निराश, डिस्पेयर देश पर हमले से लोग निराश, डिस्पेयर उदास। मैनेकल हथकड़ी, मैनेकल मानाकल हथकड़ी लगा दिया जाए, मैनेकल हथकड़ी। सेंसर सेंसर बोर्ड रोक लगाना, सेंसर सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित कर देना। चलिए पेज पलट दीजिए। अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ, क्लियर बोलो। ग्रीट का मतलब क्या होता है, ग्रीट का मतलब सेंसर, ग्रीट सेंसर, अपाथी अपाथी, डिलीजेंट डिलीजेंट, रॉब रॉब, एपोक्लिप्टिक एपोक्लिप्टिक, इम्ब्रेस इम्ब्रेस, डिस्पेयर डिस्पेयर, मैनेकल मैनेकल, सेंसर बोर्ड सेंसर। बहुत बढ़िया, तो 10 वर्ड्स याद हो गए। अब क्या करना है कि इस 10 वर्ड्स को घर पे जा करके एक बार
देख लेना है, ताकि जब आप कल आएँ तो आप इसको बढ़िया से रिवीजन कर सकें। ठीक है, फ्रिजल वर्ब पहला वर्ड है शो ऑफ, पहला वर्ड क्या है शो ऑफ। तो शो ऑफ का मतलब होता है इतराना, दिखाना। जैसे मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक बाइक आया, अब मोहल्ले में किसी के पास बाइक नहीं था और बाइक आया, तो बाइक से तूने पूछा, तीन चार लोग मिल गए कि भाई नया नया बाइक आया है, तूने पूछा बाइक कितने का है, वो हुई हुई कर रहा है, वो बताया नहीं कितने का है, पूछा कितने का, हुई, कब लिया, हुई, मतलब वो बता ही नहीं रहा कितने का है, मतलब वो इतरा रहा है, शो ऑफ कर रहा है। नहीं होता कुछ लोग पूछो तो पूछ चढ़ जाते हैं, तो शो ऑफ मतलब इतराना, इठलाना, दिखाना, कुछ काम नहीं करना। अब शो ऑफ जो कर रहा था तो चार पांच लोग और भी लगा हुई करने से, तो क्या हुआ कि इसमें क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलेरेटर, उसको दबाया और यहाँ पे क्या हुआ, क्लच, क्लच, क्लच दबाया, क्लच बोलते हैं ना, एक नंबर दो नंबर, क्लच यहाँ होता है बाबू, क्लच यहाँ, गियर, गियर जो है बाएं पैर में गियर होता है ना, तो उसने गियर दबाया, एक नंबर दबाया। अब वो भी तो नोवाइस था, नया नया सीखा था गाड़ी, अब वो भी क्या हुआ कि क्लच अचानक से छूट गया, एक नंबर था, तुरंत क्या तुरंत फॉल ऑफ हो गया, गाड़ी उछल के नहीं गिरता कि और कोई, तो समटाइम्स आपने चलाया हुआ तो समटाइम्स हुआ होगा कि जैसे गाड़ी है एक्सेलेरेटर दिया, नया नया सीख रहे होंगे, तो एक नंबर पर डल करके छूट गया, तो गिरना निश्चित था, तो क्या हो गया, फॉल ऑफ हो गया। तो पहले उसने शो ऑफ करी, तो क्या हो गया, फॉल ऑफ। तो शो ऑफ में तो दिखाया, हो गया फॉल ऑफ, फॉल ऑफ हो गया तो लोगों ने क्या करा उसके साथ, लाफ ऑफ, हंसी में उड़ा दिया कि बड़ा बाइक चला रहा था, तो क्या हो गया, लाफ ऑफ, हंसी में उड़ा देना। अब व्यक्ति को जो फॉल ऑफ हुआ, जिस पर लोगों ने लाफ ऑफ की हंसी उड़ाया, उसको लगी तो होगी कसकर, अब लगी होगी तो उसने बाइक को देखा और बोला आई विल पुट ऑफ, मतलब गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा, गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अब लग गई होगी अच्छे से अच्छी जगह पे, तो पुट ऑफ मतलब स्थगित करना, मतलब गाड़ी चलाना बंद कर देना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, पुट ऑफ मतलब रोक देना, आगे काम नहीं करना। ठीक है, तो बोलो शो ऑफ का मतलब, फॉल ऑफ का मतलब, लाफ ऑफ का मतलब, पुट ऑफ का मतलब, याद हो गया पूरा, चलिए बहुत सुंदर। तो वोकैबुलरी हम लोग इस तरह से करने का प्रयास करेंगे, जिससे होगा क्या कि हम लोगों को याद होगा। इसे कहते हैं लिंक वर्ड, लिंक का मतलब उल्टा पुल्टा दिमाग में डाला, याद हो गया।